आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम व अज़ीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं ज़ाकिरा आशिफा आप सबका अपना इस रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मुसलसल पहले रमज़ान से मैं एक एक टॉपिक लेके चली आ रही हूँ, लेकिन आज का टॉपिक बेहद बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज़ाकिरा आशिफा पे आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद इस कंप्लीट वीडियो को देखिए, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। तो दोस्तों, आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि आज के ज़माने में जितना ही आसान हो गया है हमें हर तरीके से रिश्ते का मिलना, लेकिन क्या सही रिश्ता एक शादी के लिए हमें कौन देता है और क्या देता है जो आजकल शादियां नहीं हो पा रही हैं। और सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, पसंद की शादी का अमल। ये हमारा इस्लाम है, यहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आज मैं बताने जा रही हूँ पसंद की शादी का अमल। जी हाँ, आपने दुरुस्त पर सुना कि मैं आज बताने जा रही हूँ पसंद की शादी का अमल। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सबसे पहली बात ये है कि जो भी माँ बच्चे हैं, अगर किसी को पसंद करते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो सबसे पहली बात, सबसे पहला हक होता है माँ बाप का। आप इसके बारे में अपने माँ बाप को इन्फॉर्म करें, क्योंकि हो सकता है आप उस चीज़ को सही समझ रहे हों, लेकिन आपके माँ बाप सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहले आप अपने माँ बाप से इजाज़त लें, और अगर आपके माँ बाप राज़ी ना हों, हो सकता है कि उसमें अल्लाह की मर्ज़ी हो सकता है कि आपके माँ बाप सही रास्ता आपको बताएंगे, क्योंकि दुनिया में सारे रिश्ते एक तरफ लेकिन माँ बाप एक तरफ, क्योंकि माँ बाप आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकते। तो आज मैं जो अमल बताने जा रही हूँ, बेहद इस्लाम में इसका ज़िक्र है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आप किसी को पसंद करती हैं और आप चाहते हैं कि वो खुद आपके घर रिश्ता दें, तो ये अमल आपको मुसलसल करते रहना है। सबसे पहले कैसे करना है कि ये अगर पसंद की शादी का अमल है, देखिए हलाल मोहब्बत की बात कर रही हूँ, जिसमें आपकी पसंद की शादी, मतलब वो रिश्ता भी भाई हमारे इस्लाम के हिसाब से हो। ऐसा तो नहीं है कि भाई इस्लाम के बाहर है, मैं शायद खुल के नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि ऐसा ना हो कि आप जिसके लिए अमल कर रहे हैं वो शिर्क में मुब्तला हो और उसका अपने इस्लाम से ताल्लुकात नहीं हो। तो इसके लिए अगर खुदा ना खास्ता आपकी दुआ नहीं कबूल हुई तो अल्लाह की मर्ज़ी समझ लेना चाहिए। खुदा की मर्ज़ी अगर हमारे साथ जो नहीं हुआ उसमें भी बेहतर समझना चाहिए, और जो हो गया उसमें भी बेहतरी समझना चाहिए। तो बस मैं आज आगाज़ करना चाह रही हूँ पसंद की शादी का अमल। सबसे पहले हमें फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा सलवात पढ़ना है, कोई भी फ़र्ज़ नमाज के बाद ही करना है, और मगरिब ईशा के बाद हमें फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है। उसके बाद 11 मरतबा सलवात पढ़ने के बाद बिना किसी से बात करे उसी जगह बैठे हुए हमें सूरे ताहा की तिलावत करना है। कौन से सूरे की तिलावत करना है? सूरे ताहा की तिलावत करना है। और उसके बाद जब सूरे ताहा की तिलावत करके अपने खुलूस दिल से बैठ के 111 मरतबा या मुजीबुल आपको पढ़ना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना है, फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा सलवात पढ़ना है, और सलवात पढ़ने के बाद सूरह तौहा की तिलावत करना है। सूरह तौहा की तिलावत के बाद आपको उसी जगह पे बैठना है, ना किसी से बात करना है, ना किसी से ना हिलना है, ना कुछ नहीं करना है, उसी जगह पे आपको बैठना है। उसके बाद आपको 111 मरतबा या मुजीबुल पढ़ना है। लेकिन आपके पास अगर वक्त नहीं है और आप बिज़ी हैं तो आप 11 मरतबा भी या मुजीबुल पढ़ सकते हैं। उसके बाद 11 मरतबा या मुजीबुल पढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसको क्या 14 मरतबा फिर दुरूद पढ़ना है। 11 मरतबा या मुजीबुल पढ़ने के बाद 14 मरतबा आपको दुरूद पढ़ना है, और 14 मरतबा दुरूद पढ़ने के बाद आपको उसी जगह बैठ के खुलूस नियत के साथ आपको हमारे पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हमारी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को
आपको हदिया करना है और कहना है कि या रब्बुल कायनात की सबसे बेहतरीन जोड़ी का वास्ता, आपको वास्ता देना है और अपनी जो भी जिसको भी आप पसंद करते हैं उसका नाम लेके आपको अपनी हलाल मोहब्बत का जिक्र करना है। इंशाअल्लाह अगर ये आप खुलूस से नियत से करेंगे तो ज़रूर आपको पसंदीदा आपकी जिस घर में आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, किसी रुकावट की वजह से वहाँ से रिश्ता नहीं आ रहा है या किसी परेशानी की वजह से, तो इंशाअल्लाह आप इसे अमल करेंगे तो ज़रूर अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करेगा और इसके साथ ही आपको आपकी पसंद का रिश्ता भी मिल जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। खुदा हाफिज़। अली वारिस।